हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू टेक्निक पे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक्सेल फाइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसे हम लोग लॉक करके रख सकते हैं, ताकि ना ही हमारी फाइल को कोई खोल पाए और ना ही उसमें कोई चेंजेस कर पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल को ओपन करने के बाद आपके सामने वो सारी फाइलें दिख जाती है जितना आपने पहले काम करके रखा हुआ है। आपको जिस भी फाइल को लॉक करना है उसे आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इस फाइल को लेते हैं, जैसे कि हमारा ये फाइल है part 23, ये हमारे फाइल का नाम है। हम इस फाइल को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको फाइल आपके सामने खुल जाती है। अब इसे लॉक करने के लिए हमें क्या करना है, इस फाइल वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एज। अगर आपकी फाइल नहीं है, आपने न्यू फाइल लिया हुआ है, तो आपको सिंपली सेव पे क्लिक करना है। और अगर आपकी फाइलें पहले से सेव थी तो आपको सेव एज पे क्लिक करना है। तो हम सेव एज पे क्लिक करते हैं। सेव एज पे क्लिक करने के बाद हमें अपना लोकेशन चूज करना है। तो अपना हम लोकेशन चूज कर लेते हैं। लोकेशन चूज करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। यहाँ से आप चाहें तो फाइल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा टूल्स का। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरल ऑप्शन। तो आपको सिंपली जनरल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जनरल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, पासवर्ड टू ओपन और पासवर्ड टू मॉडिफाई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फाइल खुलने के टाइम पासवर्ड मांगे तो आपको पासवर्ड टू ओपन में पासवर्ड फिल करने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइल खुल जाए लेकिन उसमें कोई चेंजेज ना कर पाए, जब हम चेंज करें तो वो पासवर्ड मांगे, तो इसके लिए आपको पासवर्ड टू मॉडिफाई में पासवर्ड फिल करना है। आप चाहें तो आप दोनों में पासवर्ड फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम दोनों में पासवर्ड को फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है कि पासवर्ड आपको ऐसा फिल करना है जो आपको इजीली याद रहे, क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो फाइल आपकी कभी भी खुलने वाली नहीं है। तो इसीलिए आपको एक ऐसा पासवर्ड बनानी है जो आपको इजीली याद रहे। इसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करनी है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको री एंटर करने के लिए बोलेगा, तो आपको फिर से पासवर्ड डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ। इसके बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद उस फाइल में आपकी पासवर्ड लग चुकी है। अब चलिए इसे हम लोग कट करते हैं और फिर से उस फाइल को हम खोल के देखते हैं। तो हम लोग एक्सेल को ओपन करते हैं। एक्सेल को ओपन करने के बाद हमारा वो फाइल था part 23, इस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे क्लिक किया यहाँ पर ये पासवर्ड मांग रहा है। चलिए यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ये फिर से पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि हमने दोनों पासवर्ड को फिल किया है। तो फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं ये फाइल हमारी खुल चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक्सेल फाइल को लॉक कर सकते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।